सो हे हेलो सब गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। आज की डेट है गाइस 30 मार्च 2023। लोग आज है श्री राम नवमी एंड उसी की वजह से ना गाइस अभी ना टाइम कुछ हो रहा है लगभग 6:30 और सुमित और बाकी उसके टीममेट्स ना गाइस कोई नहीं आया आज स्विमिंग के लिए क्योंकि वो कहीं तो जाने वाले थे घूमने समथिंग कुछ तो। और आज ना गाइस मैं भी थोड़ा 6 को उठ गया था, लेट उठ गया थोड़ा, बट कोई ना गाइस। एंड अभी ना लेके निकलते हैं साइकिल। गाइस मैं ना जा रहा हूँ अभी घूमने को। आई नो कि आपको तो पता ही होगा मैं कहाँ जाऊँगा, अगर नहीं पता फिर भी बता दूँ मैं कि सुबह जहाँ घूमने जाते हैं ना वही जा रहा हूँ गाइस। तो चलो फटाफट से निकलते यार। हाँ तो भाई लोग, बहुत दिन हो गए ना मैंने क्वीन को चलाया भी नहीं है, तो उसी की वजह से बहुत गंदी हो गई है। और इसमें ना गाइस कुछ छोटे छोटे काम निकल के आ रहे हैं, जैसे कि ये ना अपना जो ये अपना जो अपना हैंडल है ना गाइस उतना थोड़ा सा खड़ा हो रहा है, ये शायद से यहाँ पे जंग ये ना थोड़ा सा ना ढीला हो गया इसी के कारण है गाइस। और नीचे वाला भी सेम सिस्टम है गाइस, उसमें भी ना ये हो गया जो नट है वो भी ढीला हो गया ये वाला गाइस, इसको भी थोड़ा टाइट करना पड़ेगा और फिर देन इसको लेके निकलते हैं यार। हाँ तो फाइनली भाई लोग ना इसको थोड़ा क्लीन करने के बाद हम निकल चुके हैं अपनी राइड पे। तो भाई लोग सूरज चाचू ना पहले ही निकल चुके हैं। और गाइस ये ना रोड थोड़ी सी ख़राब है तो उसी वजह से ना साइकिल बहुत ज़्यादा बाउंस हो रही है। अभी कर भी क्या सकते यार, रोड बनने को भी टाइम है अभी फ़िलहाल तो। एंड ये पुल ना गाइस लगभग तो हो ही गया, और वो वाला पुल तो भाई साहब क्या ही कहने यार, क्या ही एकदम ओपी दिखता है यार। आई नो आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा बट क्या ही कर सकते हैं, अभी पास से जाके देखेंगे गाइस उसको। एंड सूरज चाचू को देख सकते हो यार, क्या ही वो सम लग रहे हैं। तो फाइनली ना भाई लोग हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। बट ना गाइस आज मेरे को थोड़ा क्या लग रहा है कि अपनी जो लोकेशन है उसको थोड़ा और ज़्यादा ना एक्सप्लोर किया जाए, थोड़ा अंदर चला जाए इस जंगलों में, क्योंकि हिरन बाघ ये सब देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हमने उसी दिन गाइस हिरन देखा था, एक्चुअली हमने उस साइड मतलब हम जिस रोड से जाते हैं ना वो रोड पे हिरन देखा था। यस गाइस सीरियसली बता रहा, वो क्लिप अगर मिस नहीं होती ना मज़ा आ जाता यार, क्या ही बोले। बट होता रहता है गाइस छोटा छोटा मोटा हादसा। तो कोई ना गाइस अभी ना जस्ट यहाँ पे थोड़ी देर योगा करने के बाद फिर निकलेंगे जंगल के अंदर। हाँ तो भाई लोग मेरा ना यहाँ का जो भी काम था वो ख़त्म हो चुका है, और अभी ना फाइनली मैं जा रहा हूँ जंगल के अंदर। अभी कुछ ऐसा है ठीक है, ये ना यहाँ से मतलब कहाँ से ठीक है, ये यहाँ से ऐसे कट हो रहा है एंड देन ये यहाँ से भी ऐसे कट हो रहा है, मतलब वी शेप पकड़ के चलो, और बाकी तो पूरा अंदर घना जंगल है गाइस। तो चलो फिर निकलते हैं यार घने जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जंगल में घुसने से पहले ही ना मेरे को कुछ तो दिख गया, लगभग मैं इतना डिस्टेंस कवर करके आया। एंड गाइस गेस करो क्या होगा, भाई साहब रेती के टीले जहाँ पे जो अपनी छोटी छोटी ये रहती है ना गाइस, छोटी छोटी आंट्स रहती है गाइस इसमें। एंड भाई लोग देख सकते हो क्या ही ओपी है, कंस्ट्रक्शन तो बहुत तगड़ा था बट बारिश ने इनका कंस्ट्रक्शन लगता है तोड़ दिया। बहुत ही सही है गाइस, क्या ही बताए। चलो यार फटाफट निकलते हैं। तो भाई लोग आई नो कि आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, वेट गाइस गाइस यहाँ पे दो दो कोयल है जो कि मेरे को देख के डर रही है, एक सेकेंड यार। हाँ तो फाइनली ना गाइस मेरी कोयल से डील हो गई, वो अपना फेस दिखाने को तैयार है। और ऐसी कुछ है गाइस कोयल, देख सकते हो यार क्या ये ऑसम लग रही है, एकदम बढ़िया। चलो यार और भी बहुत कुछ है उन्हीं को एक्सप्लोर करते हैं। बट यार यहाँ पे एक और रेती का टीला, ये देखो गाइस पहला वाला हमने वहाँ पे देखा था, अभी ये वाला यहाँ पे है गाइस। चलो यार अभी और अंदर चलते हैं। तो फाइनली ना भाई लोग
बहुत ही ज़्यादा ना रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चला कि अभी मैं जिस एरिया में लोकेटेड हूँ यही एरिया ना सबसे ज़्यादा घना और हरा है गाइस, और चांस बन सकता है यहीं पे ना अपने जो हिरन है या शेर है वो यहीं पे हो। भी मेरे को उतना खास तो एक्सपीरियंस है नहीं, फर्स्ट टाइम आया हो गाइस। चलो फिर चेक करते यार, यहाँ से ना मेरे को ऐसे पतले वाले रूट दिख रहे हैं जैसे कि पता चले कि यहाँ पे आगे जाने का रास्ता कहाँ पे। और गाइस मैप में ना बहुत ही अच्छा दिखा रहा था यार, ग्रीन ग्रीन पूरा, यहाँ पे तो पूरे सूखे पेड़ है। ओह एंड गाइस मेरे को ना अभी डर भी लग रहा है यार, मैं अकेला ही आया हूँ, किसी को बताया भी नहीं, पता चले यार यहीं पे ख़त्म हो गया पूरा। क्या लगता है गाइस हमको हिरन दिखेगी या नहीं? मेरे को ना एक छोटी सी ना लकड़ी सेफ्टी के लिए तोड़ कर रखनी पड़ेगी यार, क्योंकि कोई भी कहीं से भी हमला कर सकता है यार, ऐसा भी सीन ना हो कि हमारे पास मारने के लिए कुछ हो ही ना। ये ऐसी छोटी छोटी लकड़ियाँ तो तोड़ के रख दी है मैंने, आई नो ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है बट काम चलाने के लिए हो जाएगा इससे। अरे यार गाइस इस साइड से तो पूरे घर ही लग रहे यार। हाँ भाई लोग इधर से ना पूरे घर है बस, बाकी और तो कुछ है ही नहीं इधर। वेट यार मेरे को एक ही लकड़ी वो भी कंफर्टेबल होनी चाहिए। गाइस ऐसे भी आवाज़ आई थी अभी, तो भाई लोग उस साइड से अभी तो घर ही लग रहे इस साइड से यार, अभी कहाँ पे मिलेगी हिरन अभी पता भी नहीं है गाइस कि हिरन कहाँ पे है क्या नहीं। एंड हम लोग ना आए हैं गाइस जंगल में, तो भाई लोग इतना घना कुछ जंगल है यार, देख सकते हो पूरा एकदम माहौल है यार गाइस, पूरा जंगल एकदम ओपी सीन लग रहा है यार मेरे को तो। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है यहीं पे एक आध घर बांध के यहीं पे बस जाए हम लोग भी। और मेरे को तो लगता है गाइस ये यहाँ से ना एक छोटी सी रिवर या फिर कुछ तो सब सीन मेरे को लग रहा है यार, क्योंकि देख सकते हो आप और वहाँ पे वो मतलब गारंटेड पानी। ठीक है मेरे को फुट स्टेप आ रहे गाइस, पानी मतलब पानी के पास ही तो रहते हैं शेर ये वो आते तो है गाइस। आई थिंक मेरे को सुबह ही आना चाहिए था यार, बट कोई ना गाइस हम भी ढूंढ कर रहेंगे यार उनको। मेरे को कुछ आवाज़ें आ रही है गाइस और डर भी बहुत लग रहा है यार। भाई साहब ये क्या घना जंगल है यार। ओ भाई साहब एक सेकेंड यार, ये चिमनी के घंटे देख सकते हो क्या ही माहौल है गाइस। और ये ऐसे जो ये जो पौधे रहते हैं ना गाइस इसी साइड ना पानी रहता है, मतलब पानी है तो मतलब फिर कोई भी जानवर ना यहाँ पे आता है गाइस पानी पीने को। और भाई लोग मेरे को ना सीरियसली बोल रहा है मेरी बहुत फट रही है यार, क्या ही बताऊँ, हाथ में लकड़ी तो है लेकिन कभी चला ही नहीं है भाई लोग, ऐसी सिचुएशन है हमारी अभी। एंड ये यहाँ पे पूरा मैदान है गाइस खाली वाला, और मेरे को जहाँ पे लग रहा था पानी होना चाहिए वहाँ पे कुछ नहीं है भाई लोग, पूरा खाली है गाइस। भाई यार इतनी शांति है ना मेरी फट रही है यार। ओ भाई लोग यहाँ से पूरा तो सुखड़ा साफ है यार, एंड इस साइड ना कुछ है ही नहीं ऐसे देखने लायक, और वैसे भी हमारी तो फट रही है हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए यार। गाइस कुछ दिखा नहीं, बस उसी बात का डर है यार, चलो उस साइड से निकलते। ओ भाई साहब बजरंग बली का मंदिर है गाइस, चलो
आई डोंट नो बजरंग बली का ही मंदिर है, कंफर्म नहीं हो, बट लग तो रहा है गाइस वैसा ही कुछ। चलो यार वहाँ पे चलते हैं। पूरा मैदान खाली है गाइस, देख सकते हो। शायद से यहाँ पे कोई झील है बट पानी पूरा ख़त्म हो गया है यहाँ का, ऐसा ही लग रहा है भाई लोग। और ये देखो गाइस, मेरे को कंफर्म हो गया अभी कि यहाँ पे झील थी, ये देख सकते हो ऐसा कुछ सीन है। और वहाँ पे मंदिर पे है गाइस, तो चलो यार फटाफट जाते हैं वहाँ पे। लगभग तो पास ही आ गए हम गाइस मंदिर के, एंड मेरे को गाइस पत्थर ही लग रहा है वो तो। भाई डर तो ऐसा लग रहा है ना, क्या ही बताऊँ यार, सीरियसली मैं कभी ऐसे जंगलों में नहीं आया हूँ, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है गाइस। एंड इसके ये जो पेड़ है ना गाइस, इसके ऊपर भी रेती का टीला है गाइस, देख सकते हो यार। गाइस गणपति जी है मंदिर में, वेट यार। तो भाई लोग मेरे को चप्पल यहीं पे उतार देनी पड़ेगी अभी, तो मैं अंदर नहीं जाने वाला गाइस। गणपति जी नहीं है, हनुमान जी का ही मंदिर है गाइस, एंड शिव जी भी है यहाँ पे। मैं दूर से ही चला जाता हूँ गाइस। शिव जी की त्रिशूल भी है गाइस यहाँ पे। और मेरे पैर में ना गाइस कांटे चुभ चुके हैं अभी तो। भाई लोग ऐसा कुछ सीन है यार यहाँ पे। चलो यार फटाफट से ना अभी घर पे जाते हैं यार। तो फाइनली ना भाई लोग यहाँ से तो निकल रहे हैं, बट मेरे को फिर से डर लग रहा था गाइस वहाँ पे। वहाँ पे ना एक पेड़ है, वहाँ से कुछ अजीब व गरीब आवाज़ें अभी भी आ रही है, अभी भी आ रही है यार। आई डोंट नो मैंने साइकिल कहाँ पार्क की थी, मैं भूल गया यार। ये काड़ी लकड़ी तो दिख गई यार मेरे को। हाँ मतलब इसी रास्ते से आए थे हम, ठीक है ये तो कंफर्म हो गया। और हाँ ठीक है, इसी रास्ते से जाएंगे भी। तो भाई लोग मैंने जब मैप ओपन किया ना, मेरे को पता चला मैं एकदम कोने में था गाइस। ओ फाइनली अपनी साइकिल भी दिख गई, वो वहाँ पे यार। मैं तो डर ही गया था यार कहीं साइकिल ना गुम हो जाए। मैंने रूट से लगभग पास ही में साइकिल को खड़ा किया था ताकि अगर गुम भी हो गई तो मेरे को जल्दी से मिल ही जाए। मैं मैप से बाहर निकल जाता फिर साइकिल को भी ढूंढता है। गाइस क्वीन ना गाइस ऐसे खड़ी हुई है, मेरे को डर लग रहा है यार। इसमें ना हवा भी कम है यार, मैं जब सुबह आया ना तो मैं चेक नहीं किया था यार इसको, हवा को कितना है कितना नहीं। और उसी से आया अभी। चलो मैं फटाफट निकलते यार गाइस। हाँ तो भाई लोग मैं ना अभी आ रहा था, ठीक है ये अपनी मेन रोड है। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऑब्जर्व करने जैसा है गाइस। यहाँ पे ना हड्डियाँ पड़ी हुई है गाइस, ये देखो इतनी बड़ी, ये एक, ठीक है ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह एंड पंद्रह, पंद्रह और यहाँ पे कुछ सोलह, सत्रह, पकड़ के चलो इसको अठारह, उन्नीस। भाई साहब इतनी सारी हड्डियाँ पड़ी है गाइस, एंड साथ में ना इनकी एक स्टॉम भी पड़ी है। गाइस ये बियर है, ठीक है
और भाई लोग सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरी बहुत ही ज़्यादा फट रही थी गाइस, अभी क्या ही बोलूँ। एंड ये मेरे पास ही एक 20 पकड़ लो भाई, बहुत सारी भाई लोग यहाँ पे ना बहुत सारी हड्डियाँ हैं, इनको देख फट रही है यार, क्या ही बोल रहे अभी तो। चलो यार फटाफट से निकलते हैं अभी घर की तरफ। मेरे को ना गाइस, मेरे को स्पेशली हिरन देखना था जो कि मेरे को मिला ही नहीं यार। कोई ना गाइस, अगली बार आएंगे तो उस साइड जाएंगे, इसके बाद तो मतलब अभी तो हम इस साइड आए थे, ठीक है, अगली बार हम उस साइड उस वाली वो वाली साइड में जाएंगे। तो चल यार फटाफट निकलते हैं अभी घर के लिए। हाँ तो भाई लोग, अभी ना टाइम कुछ हो रहा है लगभग 11, और हम उस दिन नागपुर गए थे ना गाइस, तो वहाँ से ना ये सेकेंड हैंड लैपटॉप लाया गाइस, एक कस्टमर थे उन्हीं के लिए लाया गाइस। वेट, एकदम बढ़िया कंडीशन में है गाइस, क्या ही बताऊँ मैं, ऐसा लग ही नहीं रहा ये कि सेकेंड हैंड है, पूरा फ्रेश पीस एकदम न्यू दिख रहा है गाइस, क्या ही बताएं, एकदम बढ़िया है गाइस। बैटरी के बैकअप का भी टाइम बहुत ज़्यादा है इसका, और इसका जो कंडीशन है वो भी बढ़िया है, इसमें जो अपने कॉन्फ़िगरेशन है वो भी एकदम तगड़े है भाई साहब, क्या ही बताऊँ मैं, एकदम फास्ट है यार। मैं अपना चैनल भी चला के देखा ना, बहुत ही सही गाइस। जो कस्टमर है ना गाइस, उनका नाम है राजू, तो उन्हीं के लिए इसको बनाया है अभी फ़िलहाल, तो फॉर्मेट किया था इसको। और गाइस यहाँ पे ना भाई लोग, अभी ना टाइम कुछ हो रहा है लगभग 11:15, एंड अभी चल रही है पास्ता पार्टी, सभी लोग पास्ता खा रहे हैं। एंड अभी ना गाइस, मेरे को निकलना था ट्यूशन को 10 को, बट क्या करें अभी खाना ओके फिर निकलते यार। चलो फिर मिलते हैं ट्यूशन में। तो भाई लोग, अभी ना टाइम कुछ हो रहा है लगभग 11:30, और मैं निकल चुका हूँ गाइस ट्यूशन के लिए। सबसे पहली बात तो वहाँ से ही शूट करने वाला था, बट ना गाइस यहाँ पे ना क्राउड कम रहता है और वहाँ पे शोर भी ज़्यादा हो रहा था, तो इसी वजह से ना मैं वहाँ पे नहीं शूट किया, सीधा इधर ही शूट कर रहा हूँ। और अभी ना गाइस सीधा जा रहे हैं हम ट्यूशन, तो चलो यार फटाफट ट्यूशन में मिलते हैं। अभी मैं तो आ चुका हूँ ट्यूशन, नीचे ही हूँ, अभी ऊपर जाते हैं और फटाफट ट्यूशन को कम्प्लीट करते यार। सो हेलो जी भाई लोग, आई नो कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं। अभी ना गाइस एक्चुअली टाइम हो रहा है लगभग 7:30, एंड अभी मेरे साथ आया है रोहन तो है ही, एंड साथ में नयन, आई नो कि इसको नहीं जानती, ये ना गाइस मेरा बचपन से बैचमेंट्स है, बट डिफरेंट क्या हो गया कि हम थोड़े अलग अलग रहने लगे अभी, मतलब क्या हो गया कि टाइम जो है वो चेंज हो गया, एंड अपने लॉन्डे भी चेंज हो गए गाइस, तो उसी वजह से क्या करें अभी। तो भाई लोग, वॉइस ओवर में इसलिए डाल रहा था कि कॉपीराइट ना आए, बस इतना ही, बाकी कुछ तो है नहीं यार। तो भाई लोग, यहाँ पे ना चौक पे ऐसा कुछ सीन हो रहा है, और पूरे लोग ना यहाँ पे मतलब ऐसे पुलिस वाले ना सभी को ले जा रहे हैं, मतलब अपनी जो डेस्टिनेशन है उनको भगा रहे हैं वहाँ पे। देखो गाइस क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। तो भाई लोग, ऐसा कुछ सीन है हमारा यहाँ का। और गाइस इसमें ना हनुमान जी कॉस्ट्यूम पहन रहे, और गाइस इसमें ना बहुत सारे डीजे आए हुए हैं, एंड गाइस मजा तो इतना आ रहा है मैं क्या ही बताऊं यार, क्या पब्लिक है। तो भाई लोग, यहाँ पे ना हम तीनों डांस कर रहे हैं मस्त एकदम बढ़िया से, रोहन नयन और मैं, भाई सब क्या ही बोले, ओपी एकदम। और गाइस ये जो लाइट है ना बहुत ही ओपी दिख रही है यार। Yeah.
तो भाई लोग पब्लिक इतनी ज़्यादा है, मैं क्या ही बताऊँ यार। मेरे को इतना धक्का बुक्की पड़ रहा है ना, मैं बता नहीं सकता यार। फुल पब्लिक गाइस एंजॉय कर रही है। इवन वो जो कॉम्प्लेक्स है ना गाइस, उसके नीचे ऊपर सभी जगह पूरे पब्लिक खचाखच एकदम भरी पड़ी है यार। ये घर पे भी देखो यार, पूरी सीढ़ी में पब्लिक भरी पड़ी है यार। मेरे राइट कुछ हो रहा है लगभग 10 और लगभग तो रैली ना ख़त्म ही हो चुकी है, बट और भी है बड़ी रैली थोड़ी सी। तो हम ना अभी फाइनली आ चुके हैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे। एंडिंग यही से तो रैली स्टार्ट हो रही है, कैसे हो रही है ना भाई। हाँ तो ठीक है, चल जाने के अभी ठीक है। और गाइस अभी ना बैठ रही है कि जो रैली है ना, वो थोड़े थोड़े पीसेस में ऐसे टूट के ना बिखर चुकी है। ये एक सामने और पीछे दो तीन रैली है गाइस। चलो यार निकलते हैं फटाफट से इधर से अभी। तो भाई लोग अभी ना टाइम कुछ हो रहा है लगभग 10:45 और ना अभी ये आके पूरे डीजे क्लोज हो चुके हैं। और ये सभी ना गाइस जूस पीने को गए थे, मेरे को जूस नहीं पीना था, मेरा पेट भर गया था। तो कर लो ये आ गए गाइस, ये जूस पियो जूस। तो भाई लोग ये ना जूस पीने गए थे और मेरे को पीना ही नहीं था तो मैं गया ही नहीं यार। एंड अभी ना गाइस डीजे क्लोज, मतलब जो सारे के सारे सेटअप्स हैं गाइस, ये लगभग ना क्लोज हो चुके हैं इनके। और डीजे जो है वो सारे के सारे बंद हो चुके हैं। अभी ना गाइस वो सामने वाला एक डीजे चालू किया था उन्होंने, वो जो इंस्पेक्टर सर है ना गाइस, वो उनको मना कर रहे थे बंद करो करके। टाइम बहुत हो गया ना गाइस 10 बजे के बाद, और फिर इसलिए उन्होंने बंद करवा दिया गाइस। तो अभी ना हम निकल रहे हैं घर के लिए। और क्या है ना गाइस कि ये ना नयन जो है ना वो उसकी स्कूटी से है। एक्चुअली ये ना गांव में ही था, बट पेपर हो गया ना गांव में ही था, बट ना इसकी स्कूटी जो है वो सर्विस के लिए इसने उमरेड लाई थी, तो इसी वजह से ये आज यहाँ पे है। और फुल एंजॉय कर दिया भाई, फुल एंजॉय, फुल एंजॉय, बहुत मजा आया भाई। और अभी हम पीनी है गाइस। करण जो है ना गाइस बहुत शर्माता है, वो ना आने को ही खाली नहीं था गाइस, ना तो डांस किया ना कुछ गाइस, बस ऐसे ही घूम रहा था। हमने गाइस बहुत ही डांस किया, बहुत एंजॉय किया यार, क्या ही बताएं। तो भाई लोग अभी ना हम आए हैं घूमने को, अभी लगभग टाइम कुछ हो रहा है 11 बज रहे और हम तीनों है गाइस, मैं रोहन एंड नयन, हम तीनों है गाइस। अभी हम जा रहे हैं घूमने और फिर ना वहाँ से आएंगे घर पे, जाके सीधा सोएंगे। तो चलो यार फटाफट से मिलते हैं घर पे अभी। तो फाइनली ना भाई लोग अभी टाइम कुछ हो रहा है लगभग 11:30 और नयन ने ना मेरे को यहाँ पे ड्रॉप करके फिर रोहन को उसके रूम पे, और फिर वो वहाँ से अपनी रूम पे निकल गया। और अभी ना गाइस एक्चुअली बात ये है कि आज ना रामनवमी थी, तो फुल डे मस्त एंजॉय किया। सुबह ट्यूशन को गए, उससे पहले हमने जो जंगल है उसको एक्सप्लोर किया, और ट्यूशन से फिर वापस आने के बाद रामनवमी को अच्छे से सेलिब्रेट किया। और अभी हम वहाँ से भी आए हैं और घूम के भी आ गए अपने दोस्त लोगों के साथ।
आई नो कि आज ना मतलब राम जी अपने घर पहुंच गए, वैसे ही कल ना गाइस मैं भी अपने घर जा रहा हूँ वापस, और 1 तारीख मतलब कल 31 है ठीक है, तो मैं जाऊँगा घर अपने वापस शाम तक, और फिर 1 तारीख को शशांक भी आने वाला है गाइस। तो आई नो कि आज का ब्लॉग आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, तो कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो, और अपने दोस्तों लोगों के साथ भी शेयर कर देना इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।